तो अभी इस सवाल में हमको दिया है कि देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सप्रेशन लिखो, काइनेटिक एनर्जी होता है और बी रेस टू. अभी फ्रैक्शनल एरर लिखो आप सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का, तो फ्रैक्शनल एरर होगा. तो मैंने बताया था आपको फ्रैक्शनल एरर लिखते वक्त ये जो कांस्टेंट है इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, वो एनी हाउ क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा. ठीक है, वो कैंसिल ही हो जाएगा राइट. तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, तो वन इन टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा बाई एम बाई बी. ठीक है, तो अभी इसको आपको परसेंटेज एरर निकालना है. अब पूरा इसको क्या करो, 100 से ये जो आप देख रहे हो एलएचएस, दिस इज परसेंटेज एरर राइट इन व्हाट, इन काइनेटिक एनर्जी एलएचएस. सो दिस बिकम्स इक्वल टू, अभी मास के बारे में कुछ बोला नहीं, यानी मास में कोई एरर बताया नहीं, इसलिए ये जो टर्म है जीरो हो गया, जीरो प्लस टू इन टू. अब ये क्या बचा आपके पास, डेल्टा वी बाई वी इन टू 100, यानी परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, परसेंटेज एरर इन, और वो कितना दिया है 50% पॉजिटिव एरर. तो दिस बिकम्स 2 इन टू 50%, दैट बिकम्स 100% एरर. दैट मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए था 2 जूल, तो आंसर आएगा 4 जूल. आंसर क्या आएगा, यू अंडरस्टैंड, दैट बिकम्स 100%. जैसे 100% टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने आपने कोई गुड खरीदा मानो 200 रुपए का, और उस पर 100% टैक्स लगा दिया, तो वो गुड कितने रुपए का हो जाएगा, 400 का हो जाएगा. 200 उसका कॉस्ट है प्लस 100% टैक्स, यानी 200 प्लस 200 कितना हो गया. तो वैसे ही अगर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो कुछ होगा 100 जूल, तो 100% का मतलब एरर का मतलब क्या है कि आपका वो एक्चुअल का वैल्यू कितना आ रहा है, 200 जूल आ रहा है, मतलब 100% क्या है उसमें एरर है. समझ में आया, ठीक है.